नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार सबोर। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। और बातों बातों के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिनको आपने वेब सीरीज में, फिल्मों में कई बार देखा होगा। गुल मकई में इन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर भी किया था और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं। मैं उनसे आपकी तारीफ करवाऊं, उससे पहले मैं उनका नाम बताता हूं। ये हैं मिस्टर चंद्रशेखर। तो स्टूडियो में सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची के। नमस्कार रेडियो खांची, जोहार जोहार। मैं आपका यहाँ का चंद्रशेखर दत्ता। तो चंद्रशेखर भाई, आप कहाँ के हैं बेसिकली? आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, आपने काफ़ी अच्छा कैरेक्टर, अभी रिसेंटली हमने एक वेब सीरीज भी देखा जिसमें नकाब में आपने ईशा गुप्ता के हस्बैंड का रोल किया था और वो काफ़ी दिलो दिमाग पर छा गया है, एक अलग तरह का आयाम दिया है आपने एक्टिंग में। तो आप हैं कहाँ से बेसिकली, पहले तो हमारे लिसनर्स जो हैं इस वक्त सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे। मैं झारखंड का ही हूँ, मैं आप लोगों का ही एक भाई हूँ, आप लोगों का मित्र हूँ और मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। धनबाद रंगुनी बस्ती भोली। और आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम डूइंग गुड जॉब इन इंडस्ट्री। और अभी मैं एक वेब सीरीज की शूट में रांची आया हुआ हूँ, रांची बिहार डायरीज। ये निर्माता हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म बनाई थी, नीरज पांडे। और इसके डायरेक्टर हैं भाव धोलिया। ओके। जिन्होंने रंगबाज बनाई थी। अरे वाह, तो ये एक इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। एक तो बिहार डायरीज नाम ही लग रहा है कि हमारे बिहार झारखंड से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी बात कि आप धनबाद के ही लड़के हैं। तो हम आपकी फिल्मों और आपके काम पर आएंगे, हालांकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे होंगे आपको पहचान भी गए होंगे कि आप कौन हैं, कौन सी वो शख्सियत हैं जो फिल्में आपने की, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एक्टिंग ये कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर एक्टिंग और आर्ट को लेकर के तो है, लेकिन मौके बहुत कम मिल पाते हैं हम छोटे शहरों को, बच्चों को। देखिए, मैं बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। बड़ा करना चाहता था मतलब समथिंग डिफरेंट। मैं इंजीनियरिंग और ये मेडिकल तो करना चाह रहा था, मैथ्स प्लस बायो भी लिया था प्लस टू में, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बनी नहीं। मतलब मैं चाह रहा था कुछ और जो बहुत बड़ा बने, और आर्टिस्टिक हार्ट तो था, थोड़ा बहुत स्कूल में प्लेज व्लेज कर लिया, लेकिन स्पीच कॉम्पिटिशन्स में विन करता था। वाह। मतलब मैं एक्सटेम्पोर बोल पाता था, फीलिंग्स मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग थी, आप मुझे हाइपर इमोशनल भी कह सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि उसको कहीं रास्ता मिले। मेरे अंदर में जो एक ऑप्रेस्ड फीलिंग्स थी बीइंग फ्रॉम कोल माइंस, और जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, जिस तरह के लोग, सामाजिक लोग होते हैं, तो एक तरह का ऑपरेशन था जिसको मैं बाहर निकालना चाहता था। तो माध्यम ढूंढते ढूंढते मुझे लगा कि आवाज़ के माध्यम से जा सकता हूँ, रेडियो में, या फिर मैं कुछ माइम एक्टिंग करके जा सकता हूँ। सब कुछ को जोड़ते जाते अचानक थिएटर मिल गया। थिएटर मतलब स्टार्ट ही किया था, फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 3 साल थिएटर किया। श्रीराम सेंटर का ग्रेजुएट हूँ, मैं श्रीराम सेंटर का पास आउट हूँ, थिएटर डिप्लोमा है 2 साल का। उसके बाद सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में था, फिर एफटीआई क्लिक कर गया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे 2005 से 2008। फिर वहाँ मुझे सिनेमा समझ में आया, सिनेमा के बाद मैं मुंबई आ गया। अरे वाह, तो ये जैसे आपने आवाज़ की बात कही, और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी मखमली आवाज़ मुझे बहुत कम सुनने को मिला। और हेडफोन पर जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे पता है कि 90.4 एफएम सुन रहे हैं, सारे लिसनर्स भी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या किसी वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहा हूँ या आरजे का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये वॉइस को लेकर के आपने क्या किया, किस तरीके से इसकी तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे एक अच्छी आवाज़ से नवाजा है, और प्रैक्टिस तो है ही। पहले मैं बोलता था तो मुझे लगता था कौवा काई काई कर रहा है फिर मुझे समझ में आया मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि मॉड्यूलेशन का अंदाज मुझे बचपन से हो गया था, अमीन शानी का कॉपी करता था मैं, फिर बाद में समझ में आया कि खुद की अपनी एक शख्सियत होती है, आवाज़ होती है। तो बस कहीं ना कहीं उधेड़ बुन में, प्रैक्टिस में, रोज 1 घंटे का रियाज में समझ में आ गया कि हाँ, अब मैं अच्छा संवाद बोल पाऊंगा, मतलब बोल सकता हूँ। हालांकि म्यूजिक में मुझे उतना पकड़ नहीं है कि मैं गायकी में नहीं, लेकिन आवाज़ में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। ठीक ठाक कर लेते नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत शानदार साउंड भी कर रहा है मुझे, और इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जिस समय आप बॉम्बे गए, दिल्ली गए, एफटीआई में गए,
तो उस वक्त ना इंटरनेट का उतना प्रचलन था, लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता था। इवन आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, लोहरदगा, धनबाद, इवन रांची के भी जो एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चों को पता ही नहीं होता कि FTI में जाएं कैसे, या बॉम्बे में या दिल्ली जाकर के मैं कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो उस वक्त आपको किसने मोटिवेट किया था और किस तरीके से आपने अपना रिसर्च किया था? मेरे श्रीराम के एक सीनियर थे जो फर्स्ट बैच FTI में थे, जो अभी गुजर गए हैं, चंद्रहास तिवारी। ओके, तो उनसे हम लोगों को मतलब एक आइडिया मिला कि वहाँ FTI सेकेंड ईयर में भर सकता हूँ। हालांकि मैंने पहली कोशिश जो की थी वो NSD में की थी 2004 में। वहाँ पर कुछ गुरु लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो शख्सियत है उसके हिसाब से तुम्हें सिनेमा में ही जाना चाहिए, नहीं तो बाद में जाओगे। इससे अच्छा पहले ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट ट्राई करो जिसमें तुमको सिनेमा का अंडरस्टैंडिंग हो, फिर तुम मुंबई चले जाना। तो फिर उन्होंने गाइड किया कि FTI पुणे वापस खुला है तो कोशिश करना। तो 2004 में तो भर नहीं पाया था, 2005 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो FTI जब आप गए पुणे में पढ़ाई लिखाई के लिए, तो एक छोटे शहर से आने पर बहुत सारे क्या बोले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, अजीब नज़र से लोग देखते भी हैं, तो इस तरह का सामना आपने भी किया या फिर आपके लिए सब कुछ केक वॉक रहा? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो शीतरिता होता है ना उसका एक कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, और वो आपके लिए आपका जो रूट है वो आपका वरदान भी होता है। बिल्कुल, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये वरदान अभिशाप दोनों चला है। वरदान इन सेंस कि मैं इतना ज़्यादा रूटेड हूँ, ओरिजिनल हूँ कि मुझे किसी को कॉपी करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग है रूट से ही आ जाता है। किसी भी किस्म का किरदार हो, मैं रूट से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने लाइफ से, अपने विचारधारा से, अपनी फिलोसफी से देख पाता हूँ। लेकिन वही कम्प्लेक्सेज हैं सर, और उस कम्प्लेक्स को दूर करने में 60% तो FTI ने दूर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ एक समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बहुत ही डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, वो आपको तरह तरह के विद्याओं से और तरह तरह की फिलॉसफी से सींच देता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बहुत हाई है। Okay. मतलब वो एक तरह से मैं उसको प्लैनेट FTI करता हूँ। मुझे लगता है मेरे जीवन में ये 3 साल जो रहा कभी नहीं आ सकता, चाहे मैं कितना ही बड़ा स्टार बन जाऊँ, क्योंकि वो मैजिक कहीं है ही नहीं जो FTI में है। उसके बाद मुझे बहुत तकलीफें आई बम्बई में। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बायसनेस और पार्शियलिटी तो है, साथ ही इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज भी हैं। अब मैं FTI पढ़ने गया था, कमाने तो गया नहीं था। बिल्कुल, तो सब कुछ रुका हुआ था 3 साल के लिए। वापस आया तो लोन भी था, FTI में पढ़ने का जो लोन था, तो सब कुछ का एक प्रेशर बना। फिर लोगों का एक मीडियोक्रिटी का एक बाजार है वहाँ, मैंने उसमें क्या है कि आप ढंग के जगह में उठना बैठना नहीं करेंगे तो लोग में आप शामिल नहीं हो सकते, और स्टूडेंट लाइफ के बाद आप जब उतरते हैं तो आपके पास हर चीज़ मुहैया नहीं होती। आपको फिर एक एक चीज़ खरीदने के लिए, सोचने के लिए, लोगों के साथ उठने बैठने के लिए सोचना पड़ता है। सिर्फ टैलेंट से तो नहीं होता है, और मैं FTI से निकला था सिर्फ टैलेंट लेके। बिल्कुल, तो वो उठना बैठना, रास्ता समझना, लोगों को आप समझ में आए, इसमें ही 10 साल लग गए। अरे बाप रे, तो ये आपको पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? और पहला प्रोजेक्ट तो मुझे सर, हमने एक फिल्म की थी क्रमशः, जिसको 2 नेशनल अवार्ड भी है, उसकी DOP है सविता सिंह, वो एक फीचर फिल्म में DOP थी, तो उसके रेफरेंस में मुझे पहली फिल्म मिली Error 404। काफ़ी अच्छी फिल्म है, साइको थ्रिलर, पहली फिल्म मेरी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद वहीं सेट से मुझे राम गोपाल वर्मा के सेट पे जाने का मौका मिला। उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी बन रही थी, थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही थी, ऐसे ही चलता रहा। अपने जीवन में कुछ ऐसे काम के बारे में बताइए जो कि आपको बहुत एक्साइट किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो कि यहाँ आपको कुछ अच्छा करने को मौका मिला और इसमें एक्सेल किया जा सकता है। लाखों में एक मुझे बहुत अच्छा लगा, Amazon प्राइम का शो है। मैंने बहुत ईमानदारी रखी अपने काम में, बहुत सींचा खुद को। गुलमकई भी मैं मुस्लिम खान के किरदार 65 ईयर्स में बहुत ऑनेस्ट रहा। लाखों में एक तो अच्छी वेब सीरीज में आती है Amazon में। गुलमकई थोड़ी सी और चल जाती क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म थी, मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर में थी। बिल्कुल, बट उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। वो रिस्पॉन्स आ जाता हॉल थिएटर्स में जाते तो बहुत अच्छा रहता। धुमकुड़िया करके एक फिल्म है, नंदलाल नायक जी ने डायरेक्ट की है, यहीं रांची के हैं वो, और वो कांस माचिड्यू फिल्म फेस्टिवल में भी थी, तो उस किरदार को भी करके मुझे बहुत मज़ा आया। अभी MX प्लेयर में रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, नकाब। हाँ, नकाब में विनोद आमरे का किरदार मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और लोग मुस्कुराते भी हैं। अभी जैसे मैं होटल के बाहर था तो वो जो मैनेजर्स वगैरह हैं बोले सर मैं आपका शो देख रहा हूँ, और उसमें उसके पास में एक बंदा था वेटर, वो हंस रहा था क्योंकि वो किरदार ऐसा जंक्चर में किरदार है कि जो भी देखता है उसको अंदर में क्या बोलते हैं वो मस्ती आ जाती है।
वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करने में बहुत मजा आता है। शेखर भाई, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि आपका जो सिनेमा है, सिनेमा जो आर्ट है, वो यूं कहें कि बहुत ज्यादा कॉमर्शियल ना होकर के कैरेक्टर बेस्ड और एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि एक लाइन कही जाती है ना, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल, या जो पहले के पैरेलल सिनेमाज कहते थे, जैसे आप श्याम बेनेगल के साथ भी काम कर रहे हैं। श्याम जी के साथ कर रहा हूँ, बंगबंधु। बिल्कुल, तो उस जॉनरा में है आप, हालांकि वो अब लाइन बहुत खत्म हो गई है, लेकिन आपका क्या मानना है कि एक कॉमर्शियल एरिया होता है जहाँ पर वही घिसे पिटे हीरो हीरोइंस और पेड़ के इर्द गिर्द नाचना होता है, और एक एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा ग्रे शेड होता है, हर एक की लाइफ में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव लेकर के चल रहे होते हैं कैरेक्टर्स में, तो आपको किस तरह में ज़्यादा मज़ा आता है? हालांकि देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आप इधर ही दिख रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं, कमर्शियल फिल्म की मैंने भंसाली, संजय लीला भंसाली की फिल्म की थी, गुल्लू की लीला, रासलीला, रामलीला, रणवीर का फ्रेंड बना था मैं। और ये अभी जो वेब सीरीज आई है नकाब, कमर्शियल है ये, लाखों में एक थोड़ा सा सेमी कमर्शियल था, मतलब गुलमकई तो नॉन कमर्शियल आर्टिस्टिक ही लगा मुझे। और अभी जो बिहार डायरीज कर रही फुल्ली कमर्शियल है। ओके, तो कमर्शियल नॉन कमर्शियल का ऐसा कुछ है नहीं सर, मतलब आर्टिस्टिक अगर मैं बोलूं, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मैं सिनेमा का पार्ट हो जाऊं, वेब सीरीज का पार्ट हो जाऊं, जो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मीनिंगलेस चीज़ें कर रहा हूं मैं तो मेरे से तो नहीं होगा, मैं समझ गया। फॉर दैट आई नीड टू टेक वन मोर बर्थ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रूटेड ओरिजिनल, और मेरा जो थॉट प्रोसेस एक्टिंग को लेकर बहुत डिफरेंट है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसा काम जो हिट हो जाए, क्लिक हो जाए, सेलिब्रिटी लेवल मिल जाए, कुछ अवार्ड्स वोर्ड्स आ जाए, लोग तारीफ करने लगे और इकोनॉमी थोड़ी सी रन हो जाए, तो मुझे लगता है वही कमर्शियल हो जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल, पोस्ट 2015 अगर बात की जाए मॉडर्न सिनेमा, जो इधर रिसेंट कॉन्टेम्प्रेरी सिनेमा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार उभर कर के सामने आए हैं जो कि चेहरे मोहरे के दम पर वो एक्टर नहीं है, बल्कि एक्टिंग के दम पर वो स्टार बने हैं, जैसे कि पंकज भाई हैं, आप हुए, इसके अलावा राजकुमार राव हैं। इनका दौर आ गया है क्या आप मानते हैं? और बड़े स्टार्स, जो बड़ा बहुत बड़े स्टार हैं सर आज के डेट में, राजकुमार राव इज माय बेस्ट फ्रॉम एफटीआई एंड लाइक ही इज डूइंग ग्रेट। उसने इंडियन सिनेमा को बहुत कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल बिल्कुल, इवन वही नहीं, जयदीप अहलावत हैं जो अभी पाताल लोक में, तो वो भी बैचमेट हैं, विजय वर्मा बैचमेट हैं, तो दे आर रियली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द न्यू सिनेमा दैट हैज अराइव्ड। तो मैं वही सवाल पे आ रहा था कि तो क्या ये माना जाए कि अब कंटेंट किंग है और एक्टिंग ही सबसे ऊपर मानी जाएगी, और जो पहले जो चला आ रहा था एक नेपोटिज्म, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ उस क्षेत्र में, तो वो अब पीछे है, बैक साइड है? सर मुझे ऐसा लगता है ये कंटेंट किंग बनाना भी एक मेडियोक्रिटी है। ओके, मुझे जो ऐसा लगता है कंटेंट किंग हो जाना या कोई एक्टर को सेलिब्रेट करके ले जाना, क्योंकि सिनेमा इज अवे फ्रॉम कंटेंट, सिनेमा कंटेंट से ऊपर की चीज़ है। हाँ, ये है कि कंटेंट आने के बाद थोड़ी सी मीनिंगफुल चीज़ें होने लगी हैं कमर्शियल साइट्स में, बट सिनेमा सिर्फ कंटेंट नहीं होता है, सिनेमा का एक अपना आइडेंटिटी है, एक विजुअल नरेटिव स्टाइल है, और उसकी एक अपनी कहानी कहने की एक क्षमता है जो एक तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है। तो कंटेंट किंग वाला जो चीज़ है ये तो हमको लगता है ट्विस्ट एंड और ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से ऐड का ही हिस्सा है कि हम ये बेच रहे हैं, हम कंटेंट बेच रहे हैं, किसी की गरीबी बेच रहे हैं, किसी का अलग चीज़ बेच रहे हैं, तो मुझे वो कहीं ना कहीं वो ऐड एस्पेक्ट ही लगता है सिनेमा का, और मुझे वो ग्रेट सिनेमा तो नहीं लगता, मीडियोकर स्टफ ही है। हाँ, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ नए चेहरे उस कंटेंट के किरदार में मेन लीड्स में आ गए, जिन्होंने अपने क्राफ्ट से, अनुभव से और अपने अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को उभार कर रख दिया। तो इन दैट वे द पीपल हु हैव अराइव्ड आफ्टर 2015 दे आर डूइंग रियली गुड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल, 90.4 FM, जैसा कि मैं शेखर भाई आपको बता रहा था कि ये एक रांची का कम्युनिटी रेडियो, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। wow. तो मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, एक आंकड़ा जो है हमारे पास जो है कि वो स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे होंगे आपको। मैं ये सवाल उनकी तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई सिनेमा में जाना चाहता है, बॉम्बे जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, लाइक आई एम एन एक्टर ट्रेनर आल्सो, और थिएटर्स भी किया, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी एस्पेक्ट इंडिया में आया है वो है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति आते ही स्कोप खुल गया है, मतलब आप
चौथी पांचवी से ही आपके पास थिएटर है, आर्ट एस्पेक्ट है, साइंस को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए पूरा आर्टिस्टिक अप्रोच कर दिया है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में हर एस्पेक्ट आ जाएगा। अब जैसे हम 12वीं के बाद स्ट्रगल करते थे कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो जो माइंडसेट हमें सोसाइटी थ्रो करता था, अब वो एजुकेशन सिस्टम इतना ओपन है कि आपके पास बहुत सारा स्कोप है और आप इंजीनियर के साथ साथ आप एक्टर भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा कर रहा है। तो इन दैट वे अभी का जो आएगा, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो स्टूडेंट्स निकलेंगे, जो मंच ऑफ पीपल विल कम, दे विल बी हाईली ग्रूम्ड, वो बहुत ही स्ट्रांग लोग होंगे और उनका कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि वो उस पर ही जोर देकर बनाया गया है। बिल्कुल। तो इन दैट वे मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर तो करना ही चाहिए, कोई भी हो, किसी भी विंग का हो, थिएटर करना चाहिए, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी निकल कर नहीं आएगी जो बाद में आपको क्राइसिस देगी, लीडरशिप में क्राइसिस होगी, आपके अंदर एम्पैथी नहीं आएगा, एम्पैथी नहीं आएगा तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ आईक्यू से काम नहीं होता, ईक्यू बहुत हाई होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई मैं जानना चाह रहा था कि चूंकि आप बॉम्बे में रहे हैं, स्ट्रगल किया आपने, और बहुत स्ट्रगल हम नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि आपने काफ़ी मेहनत की है वहाँ पर, तो नहीं सर ये मैं क्या बोलूँ, कुछ मेहनत मेहनत नहीं, सब झूठ बात है। स्ट्रगल कौन नहीं कर रहा सर, आप बताइए, अभी मैं शूट कर रहा था पहाड़ के पास में, लोग हट बना के रह रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट की तरह आते हैं, 200 रुपये हमको मिलता है, 5-6 घंटा शूट करते हैं, 10 दिन भी शूट किया तो हमको 2000 रुपये आएगा, अगर ये शूटिंग यूनिट अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो 2000 रुपये कैसे कमाएंगे, तो मैं सोच ही नहीं सकता। स्ट्रगल तो ये लोग कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो हमको करना है, हम जो चाहते हैं उसके लिए हमने नौकरियाँ छोड़ी है, हमने घर बार छोड़ दिया 20 साल, तो स्ट्रगल थोड़ी हुआ, हम तो पाने के लिए तल्लीन है, आगे तो बहुत बढ़िया, वो जो कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअल स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ। मेन स्ट्रगल इज ऑल अबाउट फूड, क्लोथ, शेल्टर, लाइक जो एक्सप्रेशन, बेसिक जो नीड्स है वही तो स्ट्रगल है। हाँ, एक्टिंग में बेसिक स्ट्रगल्स कब हो जाता है, जो शुरुआती दौर में 2-3 साल हो जाता है, मेरे साथ भी रहा, तो ये सबके साथ होता है, मैं इसको स्पेशल नहीं कहना चाहूँगा। नहीं तो उस वक्त के एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारे लिसनर्स हैं, कि किस तरीके से अगर उनके साथ भी ये आए तो वो किन बातों का ख्याल रखें उस वक्त, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, खास करके जब इस बॉम्बे गए हैं, काम नहीं मिल रहा है, और उसके बाद बहुत सारे गलत चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप अभिनेता हैं या नहीं है। बिल्कुल। आप लेखक हैं या नहीं है, और उसकी पूरी तैयारी करके बम्बई जाना चाहिए। अधकचरापन में बम्बई नहीं जाइए, तो भटक जाइएगा, करने कुछ जाएंगे कुछ और करने लगेंगे, क्योंकि आपको अपने विधा पे पकड़नी है। दूसरी बात, ये सर्वाइवल के लिए नहीं है। मैंने एक्टिंग राइटिंग से आप सर्वाइव कर लेंगे, इतना चमत्कारी और इतना बड़ा फॉर्चुनेट आदमी आप नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए सर्वाइवल स्ट्रेटजीज लेके चलनी पड़ेंगी, या फिर बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि लोग हवा में कैसे चले जाते हैं, ये प्रोसेस ही नहीं समझ में आया कि हम बम्बई उतरे हमको हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द गेम, ये तरीका नहीं है। आप प्रॉपर पढ़ाई करके जाइए, पढ़े लिखे लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो आप मतलब गेस करके हवा में कैसे चले जा सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा लाइफ सपोर्ट है और ये मेरा ड्रीम सपोर्ट है, और ये मेरा ड्रीम है, मैं पैशनेटली यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने 5 साल पढ़ा है, टीचिंग किया, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ। बिल्कुल। तो ये तरीका है, आपको चुनना पड़ेगा, कोई एक तो लाइफ सपोर्ट तरीका चुनना ही पड़ेगा। राइट। और इसके अलावा जो भी आप ऑप्शन चुन रहे हैं वो आपके ड्रीम से आपको भटकाएगा। बिल्कुल। ये एक OTT प्लेटफॉर्म, सिनेमा हॉल्स, खास करके 2019 के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ 20 में, तो कितना सपोर्ट बना है कलाकारों के लिए? 100% सपोर्ट है सर। सिनेमा और OTT को अगर चुनने की बात की जाए तो मेरा रातों रात लोगों का नजरिया बदल गया है। मतलब जैसे जिस होटल में रह रहा हूँ, लोग जो MX प्लेयर का नकाब देख रहे हो, वो मुस्कुराते हैं मुझे देख के, उनको बड़ा गुदगुदा गुदगुदी फील होता है। तो ये मुझे तत्काल रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट कब हॉल खुलेगा, कब लोग जानेंगे, तो एज एन एक्टर मुझे तो रिलीफ मिल गया। लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ सिनेमा है वो सिनेमा में ही होता है। बिल्कुल। आप उसको मोबाइल में नहीं देख सकते। हम OTT के लिए काम तो कर रहे हैं, हमने तो ग्रेट एक्टिंग कर ली, लेकिन जो सिनेमा का जो आंदोलन है, जो सिनेमा आपको अंदर से रोमांचित करती है, वो रोमांच आपको 76mm ही दे सकता है। नो डिस्टर्ब ऑडियंस जो होता है। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप अपना सपना, अपना किरदार देख रहे होते हैं
76 एम एम में, बिल्कुल, तो वो मज़ा तो सिनेमा ही दे सकता, आप मोबाइल में नहीं देख सकते, वो साउंड नहीं देख सकते, वो क्रिएशन, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं देख सकते हैं। यहाँ तो ऑप्शन है सर, पॉज करके कहे खाना वाना खा के वापस आए या किसी का फोन, डिस्कनेक्टिविटी है, बहुत सारी डिस्कनेक्टिविटी है। तो और मतलब 3.5-4 घंटे का होता है, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि एक बार मैं देखने बैठता हूँ कोई शो तो 3.5-4 घंटे में पूरा समाप्त करता हूँ एपिसोड। बहुत इसको बिंज वॉचिंग एक नया वर्ड भी आया है। हाँ, बिंज वॉचिंग। और बहुत बार ऐसा होता है कि रात को 10:30-11 बजे से देखना शुरू करते हैं हम, क्योंकि वही 4 बजे खत्म करते हैं कि जो अपना समय होता है जिसको हम लोग कहते हैं, और 3-4 बजे ही जाते हैं भोर। हाँ, और इंटरेस्टिंग है तो फिर देखते हैं, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता है, शोज तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक्चुअली टीवी से बहुत आदमी निजात पाना चाह रहा था, उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वेब सीरीज एक बड़ा बढ़िया माध्यम हुआ जहाँ ओरिजिनल चीजें दिखाई जा रही है। ओरिजिनल मतलब थोड़ा सा रूटेड भी हो, थोड़ा सा रियल फील दे और थोड़ा सा घुमावदार रहे, रोमांचित करे, तो वेब सीरीज ने अपना एक जगह बना लिया है भारत में। बिल्कुल सर, आपकी कई सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं वेब सीरीज पर हैं, आने वाले कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका रेडियो खांची 90.4 एफएम के लिसनर्स वेट कर रहे हैं? अभी तो शूट चालू है बिहार डायरीज का जी, इसके डायरेक्टर बहुदुलिया है, नीरज पांडे प्रोड्यूसर, ये एक इंटरेस्टिंग है, मेरा पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। बंगबंधु करके फिल्म है, ये इंडिया बांग्लादेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर है, उसमें मैं मुजीबुर रहमान का किलर का रोल कर रहा हूँ। एक शेड्यूल बाकी है ढाका में, तो परमिशन का वेट चल रहा है हम लोगों का, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। एक दो फीचर फिल्म आएंगी इसमें, टाइटल रोल में एक में हूँ और एक में मतलब दो लीड हैं उसमें एक हूँ, बट वो भी थिएटर्स और प्रॉपर इंतजार किया जा रहा है, इंतजार किया। हाँ, तो अभी चीजें ठीक है, अभी देखते हैं, अभी पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट तो है, बट उसके लिए मैं अभी 1 तारीख को जाऊंगा साइनिंग के लिए, देखते हैं प्रोड्यूसर से अगर बात समझ में आती है। कहानी मुझे बहुत पसंद है और मैं थोड़ा अल्टर और डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर करता भी हूं। वैसे वैसे आपसे बात करके अंदाजा हो रहा है कि आप के जो सिलेक्शन ऑफ द वर्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो काफी मतलब सिर्फ टाइटल ही सुन रहे हैं तो काफी इंटरेस्ट जगा रहा है। कहां बांग्लादेश में एक मर्डर मिस्ट्री जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल, उसमें आप एक किलर का किरदार कर रहे हैं, तो काफी लेयर्स और ऑब्वियस हो गया उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा, उसने क्यों मारा। हाँ, बहुत बड़ा, वो भी प्रेसिडेंट बना बाद में जाके जो किलर था, बहुत लेवल का चीज है, इंडो बांग्लादेश का है प्रोजेक्ट है, एनएफडीसी का प्रोजेक्ट है। श्याम बेनेगल अपने आप में एक अद्भुत आदमी है, उनका आशीर्वाद ही मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। शेखर भाई, रांची झारखंड या बिहार या ये जो एरिया है जहाँ पर बहुत कम शूटिंग्स हुई है, और कहाँ सर सबसे ज्यादा शूटिंग हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, अब शुरू हुई है, मतलब नहीं सर 1960 से सबसे ज्यादा शूटिंग हुई है हमारे जो गुरुदेव हैं। राजगीर में शूटिंग हुई थी पहली, वो हेमा मालिनी और देवानंद, नहीं सर 1950-60 में शूट हुई है, हजारीबाग डाल्टनगंज में शूट हुई है, ऋतिक घटक की सारी फिल्में इसी अंचल में झारखंड में ही शूट होती थी, इवन सत्यजीत रे की भी कुछ कुछ फिल्म यहाँ शूट हुई, बेतला में शूट किया था, इंटरनेशनल फिल्म थी। लेकिन अभी इधर जिस तरीके से वो ग्रोथ होना चाहिए था, जैसे कि आज के समय में जितना गुजरात हब बन गया है, सूरत में जितनी शूटिंग शुरू, नहीं सर हब तो अभी झारखंड है, हर साल 35 प्रोजेक्ट शूट हो रहा है जी, 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट, अभी ए ग्रेड प्रोजेक्ट शूट हो रहा है। पहले बदनाम हो गया था भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, कुछ बी ग्रेड शूट्स होते थे तो लोग डर गए थे, लेकिन जब से झारखंड गवर्नमेंट ने अपना वहां खोला है तो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल लोग यहाँ आके शूट कर रहे हैं, सपोर्ट पब्लिक बहुत कमाल है यहाँ का, यहाँ का पब्लिक का सपोर्ट देखिएगा, मेरा तो वही मतलब सवाल था कि पब्लिक का रिस्पॉन्स गजब का सपोर्ट सर, कैसा लगा आपको? ये तो पैदाइशी एक्टर है, अगर टेक बोला जाए ना कि यहाँ से यहाँ टेक दो, तो वेट करते हैं, जैसा एक्शन वो किए होते हैं एग्जैक्टली सेम एक्शन रिटेक में करते हैं। मैं बोल भी रहा था अपने डायरेक्टर फ्रेंड से कि भाई ये तो गजब एक्टर हैं, यही चीज आप बॉम्बे के अगर जूनियर आर्टिस्ट के पास देखेंगे तो वो रियल नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि उनकी आदत लग गई है ऑफिशियल जॉब तरह की, और ये लोग बड़े तन्मयता के साथ करते हैं, डूब के कि जैसा करना वैसा ही करना है, एग्जैक्ट कोई चीज खराब नहीं करना है। यहाँ एक चीज है इस अंचल में झारखंड में कि किसी का कोई चीज खराब नहीं करना है, ये आपको किसी स्टेट में नहीं मिलेगा, बिल्कुल किसी का नुकसान ना हो जाए, चल हमारा 2 पैसा खराब हो गया कोई बात नहीं, बट तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। दिस एटीट्यूड, दिस लाइक क्या बोलते हैं उसको, अंदर का जो एक होता है ना वो ईमानदारी वो झारखंड के लोगों को बहुत ग्रोथ देती है, बिल्कुल, और रिस्पेक्ट भी देती है, मतलब सहिष्णुता, बर्दाश्त करने की क्षमता, जब तक आपको कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना कर दे तब तक ये लोग बोलते भी नहीं है, इतने मासूम लोग हैं,
इतने अच्छे लोग हैं, कोई जानबूझ के आपको परेशान नहीं करता, कोई नहीं करता है। और आप परेशान हो रहे हैं तो आपको परेशान देख के वो परेशान भी हो जाएगा। एंड दैट इज आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम फ्रॉम झारखंड, नॉट फ्रॉम एनी अदर स्टेट्स। आई एम नॉट ब्लेमिंग अबाउट अदर स्टेट्स, बट मुझे लगता है इतना सपोर्टिव तो बहुत बहुत रेयर है। और ये चीज है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में और दूसरों के प्रति जो सहानुभूति है, क्योंकि जिंदगी बहुत कठिन होती है हमारी, और उस कठिनाई से जब हम बाहर निकल के आते हैं तो हम चाहते हैं कि सबका अच्छा ही हो, वो परेशानी में ना पड़े। हम लोग लेट गो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यस, यही रीजन है कि हम एक्सेप्ट करते हैं लोगों को भी और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाते हैं। मोहब्बत की क्षमता हमारे अंदर ज्यादा है, मित्रता की क्षमता हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और क्या सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए रांची झारखंड में, चूंकि आप एक सीजन्ड एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, और आपने चूंकि रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है और कर भी रहे हैं ऑलरेडी, बिहार डायरीज की आपकी शूट चल भी रही है, तो ऐसी और सी कौन सी कमियां आपको दिखाई देती हैं जिसको दूर किया जा सकता है, और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर या किस स्तर पर क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब डायरी टाइप का होना चाहिए या फिर अखबार में भी होना चाहिए कि दीज आर एक्टर्स हु आर डूइंग गुड, ओके, सेकंड दीज आर टेक्नीशियंस हु आर डूइंग गुड, दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ लोकल, और दिस शुड एसोसिएट विद एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज कमिंग टू झारखंड। सपोज 33 प्रोजेक्ट बन रहा है और झारखंड में एक आता है जो मैं कर रहा हूँ 10 साल में, कायदे से तुम्हें बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए। बिल्कुल, मेरे धनबाद में कम से कम 10 शूटिंग्स होती है जिसका मुझे पता ही नहीं चलता है, बट ये पता हो सकता है। कैसे पता हो सकता है? झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू में, व्हेरेवर इट इज कमिंग दे शुड कीप अ लुक वॉच कि भाई अपना आदमी है कि नहीं। हमारे स्टेट में अपना आदमी होता है, पॉलिसी तो हालांकि बनी हुई है कि 50% से वैसे नहीं होगा, आपको अपने फेसेस को फ्रंट में रखना होगा कि भैया ये फ्रंट फेसेस होने चाहिए। बिल्कुल, तभी तो हम आपका इंटरनेशनल नेशनल नाम कर रहे हैं, बट हमारे ही जगह में काम हो रहा है, हम ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे मांग रहे हैं, हम तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बिल्कुल, लीड प्रोटैगनिस्ट वगैरह, इवन ऑडिशंस के लिए भी तो कम से कम कॉल जाता है, ऑडिशंस का तो कॉल चला जाता है। 2-3 ऑडिशंस तो मैंने यहाँ करवाए हैं फ्रेंड्स के थ्रू में, लेकिन वो बात नहीं है। आपको यहाँ के आर्टिस्ट को एक जगह दीजिए, यहाँ के लोगों को तो रोजगार आप देते ही हैं, मतलब जो आर्टिस्ट आते हैं टर्शियरी में तो यहाँ के लोग करते ही हैं, क्योंकि आप वहाँ से बम्बई से उठा के तो ला नहीं सकते, महंगा पड़ेगा, तो आप छोटे किरदार में यहाँ के लोगों को कास्ट कर रहे हैं, फिर बड़े किरदार में भी कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े किरदारों में भी कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम फिल्में बना रहे हैं हमारे शहर में, जिस तरीके से फिल्में बन रही है हमारे राज्य में, जिस तरीके से फिल्में बन रही है, बहुत दूर नहीं है वो दिन कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको भी काम मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से शेखर भाई ने अपना नाम बनाया है वैसे ही नाम हम सब भी बना पाएंगे। शेखर भाई, जाते जाते रांची के जो आपके लिसनर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के भावी अभिनेताओं को, थिएटर करने वाले, डायरेक्शन, कैमरा, इनको यही कहूँगा कि आप में नेचुरल बहुत सारी चीज़ें हैं, उस नेचुरलिटी को उभारने के लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। ट्रेनिंग आपको इंजीनियर बना सकता है और अनट्रेन एक्टर एक मैकेनिक की तरह हो सकता है। बिल्कुल, अगर 50 ट्रेंड अगर हम इंजीनियर्स को देखें तो उसमें से 40 अच्छे मैकेनिक्स हो सकते हैं, लेकिन 100,000 मैकेनिक में एक ट्रेंड माने एक बढ़िया इंजीनियर निकले कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। दूसरा, स्किल बेस्ड चीजें हैं, आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो वहाँ स्ट्रगल बढ़ जाएगा, साथ ही एक सर्वाइवल के लिए भी स्किल होना चाहिए। बिल्कुल, तो मालूम चला आप जो करने गए वो आप कर ही नहीं पा रहे, तो मैं आशावादी हूँ यहाँ के लोगों को लेकर, ये लोग काफ़ी मेहनती हैं, जूझने वाले हैं, पर थोड़ा सा प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप। मैं मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू सुनकर डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली थिएटर करूँगा, उसके बाद कोई एक संस्थान से पास आउट होकर मैं मुंबई जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा श्रोता सुन रहा हो तो वो ज़रूर ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दे, अचानक से उठ कर मुंबई ना चला जाए, खो ना जाए। बिल्कुल, अचानक से उठ करके कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि रणभूमि में उतरने से पहले हथियारों का चलाना सीखना ज़रूरी है, और अगर आपके पास स्किल रहेगी तो फिर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये थे चंद्रशेखर दत्ता भाई, जो कि हमारे स्टूडियो में बैठे थे, जाने माने एक्टर हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किया है, फिलहाल ये बिहार डायरीज़ के लिए बिहार में रांची में शूट कर रहे हैं,
झारखंड में हैं और बहुत कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्रोतागण को चाहूंगा कि वो एमएक्स प्लेयर पर नकाब जरूर देखें और इंस्टा में चंद्रशेखर दत्ता को फॉलो करें। थैंक यू। और रेडियो खांची जरूर सुनते रहें, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक ऐसे ही एक्टर्स, ऐसे ही समाज के उपयोगी लोगों को आपसे मिलवाते रहते हैं। और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।